नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम राज एसोसिएट्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 3 BHK लेके आए हैं, जो कि फ्रंट साइड से रहने वाला है और उसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा है, जो कि सिर्फ 350 मीटर के डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन है। लेआउट से मैं स्टार्ट कर लूं तो यहां से आपको एंट्रेंस मिलने वाली है। एंटर करते ही आपका पूरा ड्रॉइंग एरिया है, यहीं पे आपको एक किचन भी मिलता है। इस साइड से आपका एक पहला बेडरूम है, ये आपका कॉमन वॉशरूम है, और जो फ्रंट साइड से आपका रहेगा दूसरा बेडरूम, जिसके साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है और वॉशरूम भी अटैच मिलता है, और आपका लास्ट तीसरा बेडरूम जिसके साथ भी आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग एरिया से। तो यहाँ पे आपको 6 सीटर सोफा यहाँ पे मिलने वाला है, 2 पफीज मिलने वाले हैं, एक बड़ा सा कॉफी टेबल मिलने वाला है। इसके बैक वॉल की बात कर ले तो यहाँ पे आपका वॉलपेपर का वर्क किया गया है, उस साइड से आपके माइका एंड लोअर एंड प्रोफाइल लाइट का वर्क किया गया है। इसके फॉल सीलिंग की बात करें तो ऊपर आपको ब्लू गोल्ड एंड व्हाइट लुक में फॉल सीलिंग मिलेगा, जिसके बीच में आपको एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सैंडलर भी लगा के दिया जाता है। 2 फैंस आपको मिलते हैं और इसी में आपका अटैच रहने वाला है यहाँ पे किचन। किचन में आपको एल टाइप का स्पेस मिलेगा, तैयार किया गया है आपका एल टाइप में, जिसके लोअर कैबिनेट्स की बात करें तो इस तरीके के आपके लोअर कैबिनेट्स हैं। सॉफ्ट चैनल का यहाँ पे यूज भी किया गया है, इस तरीके से ये अपने आप जाके बंद भी होते हैं। कुछ एल टाइप के इस तरीके के कैबिनेट्स हैं, जिसके अंदर डेप्थ बहुत अच्छी आपको मिलती है। इस साइड से आपका सिंक एरिया आने वाला है। सारी सैनिटरी फिटिंग आपकी जगुआर कंपनी के होने वाली है, और इसके ऊपर आपको प्यूरीफायर लगाने का स्पेस दिया जाता है। और अपर कैबिनेट्स की बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े एरिया में आपको अपर कैबिनेट्स दोनों मिलते हैं। यहाँ पे आपको चिमनी का स्पेस मिलता है, चिमनी भी आपको फिट करके ही दिया जाएगा। और इसके फॉल सीलिंग की बात करें तो अगेन ब्लू लुक में आपका फॉल सीलिंग तैयार किया गया है, और बीच में आपका प्यारा सा सैंडलर भी लगाया गया है। ड्राइंग एरिया में ही आपको सामने टीवी पैनल यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन के लिए स्पेसेस मिलते हैं। नीचे आपको 3 स्टोरेज स्पेसेस मिलने वाले हैं, इसी के ऊपर आपको स्प्लिट AC की वायरिंग भी मिलती है। तो ये हमारा पूरा ड्राइंग एरिया एंड किचन है। चलते हैं अपने पहले बेडरूम की ओर। तो ये हमारा पहला बेडरूम है, 10x10 का यहाँ पे आपका स्पेस है इस बेडरूम का। 6x6 का आपका बेड है, कुशन के लेवल यहाँ तक की दी गई है। बैक वॉल में अगेन वॉलपेपर का वर्क किया गया है। दोनों साइड से आपको वार्डरोब सेक्शन मिलने वाले हैं, अंदर अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। नीचे आपको 2 ड्रॉर्स भी मिलने वाले हैं। कुछ यहाँ पे आपको स्पेस मिलते हैं, आप अपने यहाँ पे लैंप्स प्लेस कर सकते हैं। इसी के आगे ठीक फ्रंट में आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिलता है। थीम यहाँ पे सेट करी गई है, आपने वार्डरोब और टीवी पैनल दोनों का देखा, रेड एंड व्हाइट में आपका यहाँ पे टीवी पैनल तैयार किया गया है। नीचे आपको 3 स्टोरेज एरिया भी दिए जाते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो ऊपर आपको डिफरेंट लुक में आपको गोल्ड एंड ब्लू कलर में फॉल सीलिंग का वर्क मिलता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, ऊपर विंडो AC के लिए स्पेस मिलता है, और अटैच रहने वाला है इसके साथ बालकनी। तो ये हमारा आपका बालकनी है, 2 रूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। पीछे ये पूरा आपका पत्थर का वर्क किया गया है टॉप तक, और फ्रंट में आपको इसके 30 फुट का रोड भी मिलता है। उसी के ठीक आप सामने देखेंगे, उस साइड से आपका पार्क भी रहने वाला है। तो ये आपने देख लिया है हमारा पहला बेडरूम। इसके बाद यहाँ पे हमारा आने वाला है मास्टर बेडरूम। सेम 10x10 का यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, दोनों साइड से आपको लोअर का वर्क मिलता है, आप अपनी अलमीरा भी प्लेस कर सकते हैं। पीछे आपको टॉप से बॉटम तक के कुशनिंग का वर्क मिलता है। 6x6 का आपको यहाँ पे बेड मिलता है। ठीक इसके सामने यहाँ पे आप अपना टीवी प्लेस कर सकते हैं, स्विचेस आपको यहाँ पे मिलते ही है। इसके ऊपर आपको स्प्लिट AC की वायरिंग मिलती है, ऊपर आपको गोल्ड लुक में फॉल सीलिंग तैयार करके दिया जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, और इसके साथ आपका अटैच रहने वाला है सेम बालकनी, जिसके सामने आपको 30 फुट का रोड मिलता है, एंड ठीक सामने आपको पार्क का भी एक्सेस मिलता है। इसके साथ अटैच रहने वाला है वॉशरूम। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, अटैच है इसके साथ आपका वॉशरूम, जिसके अंदर वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। तो ये था हमारा दूसरा बेडरूम। इसके बाद हमारा आता है बीच में कॉमन वॉशरूम। तो इस तरीके से हमारा कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद हमारा है लास्ट थर्ड बेडरूम। तो अगेन यहाँ पे आपको 10x10 का स्पेस मिलता है, 6x6 का यहाँ पे बेड मिलता है। पीछे इस लेवल की कुशनिंग करी गई है एक अलग डिजाइन में। पीछे आपको माइका का वर्क मिलता है, दोनों साइड से आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिलता है, और ऊपर पूरा फ्लोर का काम मिलता है। आप यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको एक डिफरेंट लुक में स्ट्रिप्स लगा के फॉल सीलिंग तैयार की गई है। इस साइड से आपको वेंटिलेशन मिलती है, यहाँ से आपका शाफ्ट है, आप यहाँ पे अपना टीवी लगा सकते हैं, स्विचेस आपको ठीक नीचे उसके मिलते हैं, और ऊपर आपको AC की वायरिंग मिलती है। इसके साथ आपको वार्डरोब सेक्शन भी मिलता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे वार्डरोब सेक्शन दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये था तीसरा बेडरूम। पूरा फ्लैट आपका 75 गज में तैयार किया गया है। 3 BHK है, कार पार्किंग मिलती है, बाइक पार्किंग मिलती है, लिफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, फ्रंट में आपको 30 फुट का रोड मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। प्राइसिंग डिटेल के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो नंबर आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। 90% तक की लोन की फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड करा के देते हैं। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर रहने वाला है, 350 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर पे आपका पार्क यहाँ पे रहने वाला है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।